आगे आने वाले हफ्ते की बात करें तो गुजरात में मौसम मुख्य तौर पर ड्राई बना रहेगा। आने वाले हफ्ते में जो है बारिश के कोई भी अनुमान अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान अगले 3 दिनों तक नो लार्ज चेंज में बना रहेगा, और उसके बाद जो है तापमान में 2 से 3 डिग्री की जो है बढ़त देखने को मिल सकती है, न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में। साथ ही अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम की बात करें तो गुजरात में जो है अहमदाबाद में 22.2 डिग्री सेल्सियस, गांधीनगर में 19.4 डिग्री सेल्सियस, साथ ही जो सबसे न्यूनतम तापमान है वो 16.9 डिग्री सेल्सियस जूनागढ़ में केशोद, और 22.8 डिग्री सूरत में जो है दर्ज किया गया है। और साथ ही बात करें अगर हम अधिकतम तापमान की, उसमें अहमदाबाद में 34.8 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर में 34.5 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों में। साथ ही सबसे अधिकतम तापमान जो है दर्ज किया गया वडोदरा में 36 डिग्री सेल्सियस, और सबसे लोएस्ट रहा है 27.6 द्वारका में। साथ ही अगर हम बात करें कोस्ट की, तो उत्तरी गुजरात कोस्ट में जो है हवाएं जो है उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम दिशा से जो है चलने की संभावना है, तथा दक्षिणी कोस्ट में गुजरात कोस्ट में अगर हम बात करें तो हवाएं मुख्य तौर पर जो है उत्तर पश्चिम तथा उत्तर दिशा से चलने की संभावना, इनकी स्पीड दोनों ही कोस्ट में जो है 15-20 से 25 नॉट्स के बीच में रहने की संभावना है। साथ ही लैंड एरिया में भी अगर हम बात करें तो हवाएं जो है मुख्य तौर पर जो है उत्तर पश्चिम विवाह दिशा से चल रही हैं। तापमान जो है 3 दिन के बाद जो है बहुत ग्रेजुअल राइज होगा, मतलब आने वाले 3 दिनों के बाद वो अगले 3-4 दिनों में जो है 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, तो बहुत ग्रेजुअल राइज रहेगा। और उसके मुख्य कारण है कि हवाएं जो हैं वो ईस्टर्ली जो कंपोनेंट है पूर्वी जो है हवाएं चलेंगी, और उसमें जो है थोड़ी सी खुश्क हवाएं चलेंगी, नमी कम हो रही है जिसकी वजह से तापमान बढ़ेगा। आगे आने वाले हफ्ते की बात करें तो गुजरात में मौसम मुख्य तौर पर ड्राई बना रहेगा। आने वाले हफ्ते में जो है बारिश के कोई भी अनुमान अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान अगले 3 दिनों तक नो लार्ज चेंज में बना रहेगा, और उसके बाद जो है तापमान में 2 से 3 डिग्री की जो है बढ़त देखने को मिल सकती है, न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में। साथ ही अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है न्यूनतम और अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम की बात करें तो गुजरात में जो है अहमदाबाद में 22.2 डिग्री सेल्सियस, गांधीनगर में 19.4 डिग्री सेल्सियस, साथ ही जो सबसे न्यूनतम तापमान है वो 16.9 डिग्री सेल्सियस जूनागढ़ में केशोद, और 22.8 डिग्री सूरत में जो है दर्ज किया गया है। और साथ ही बात करें अगर हम अधिकतम तापमान की, उसमें अहमदाबाद में 34.8 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर में 34.5 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों में। साथ ही सबसे अधिकतम तापमान जो है दर्ज किया गया वडोदरा में 36 डिग्री सेल्सियस, और सबसे लोएस्ट रहा है 27.6 द्वारका में। साथ ही अगर हम बात करें कोस्ट की, तो उत्तरी गुजरात कोस्ट में जो है हवाएँ जो है उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम दिशा से जो है चलने की संभावना है, तथा दक्षिणी कोस्ट में गुजरात कोस्ट में अगर हम बात करें तो हवाएं मुख्य तौर पर जो है उत्तर पश्चिम तथा उत्तर दिशा से चलने की संभावना, इनकी स्पीड दोनों ही कोस्ट में जो है 15-20 से 25 नॉट्स के बीच में रहने की संभावना है। साथ ही लैंड एरिया में भी अगर हम बात करें तो हवाएँ जो है मुख्य तौर पर जो है उत्तर पश्चिम विवाह दिशा से चल रही हैं। तापमान जो है 3 दिन के बाद जो है बहुत ग्रेजुअल राइज होगा, मतलब आने वाले 3 दिनों के बाद वो अगले 3-4 दिनों में जो है 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, तो बहुत ग्रेजुअल राइज रहेगा। और उसके मुख्य कारण है कि हवाएं जो हैं वो ईस्टर्ली जो कंपोनेंट है पूर्वी जो है हवाएं चलेंगी, और उसमें जो है थोड़ी सी खुश्क हवाएँ चलेंगी, नमी कम हो रही है जिसकी वजह से तापमान बढ़ेगा।